हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जीके बाई ज्योतिका सुरेडिया। जैसा कि फ्रेंड आपको पता है कि मैंने रेगुलर आपके लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डालने स्टार्ट किए हैं, और आज है 8 फरवरी। इसलिए चलिए फ्रेंड, 8 फरवरी, चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जो आपके आने वाले प्रत्येक एग्जाम्स में हेल्पफुल साबित होंगे। चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा के पिछले 54 वर्ष के रिकॉर्ड 54 साल के रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में किस विधानसभा के पिछले 54 साल के रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने की घोषणा की गई थी? रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने की घोषणा की गई आपके हरियाणा राज्य के और हरियाणा राज्य की विधानसभा के पिछले 54 साल के रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने की घोषणा की गई है। तो हरियाणा के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लीजिए। हरियाणा के गवर्नर है आचार्य सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर, और हरियाणा के डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला जी। और अब देखिए, 1966 से लेकर अब तक के सभी रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन करने की घोषणा की गई, और इसके लिए गूगल सर्च इंजन बना जाएगा, जिससे स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी वगैरह की मदद नहीं लेनी पड़े, और गूगल में भी किसी भी नेता के बारे में जानकारी ले सके। उन्होंने कब कौन सा भाषण दिया था उसके बारे में से भी जानकारी आपको ऑनलाइन ही मिल सकेंगी। और हरियाणा विधानसभा के स्पीकर कौन है? तो वे हैं ज्ञानचंद गुप्ता, और उन्हीं के द्वारा यह घोषणा की गई। आगे देखिए, आपका सेकेंड क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा के किस दूसरे व्यक्ति हाल ही में हरियाणा के किस दूसरे नेता को जेड पल्स सुरक्षा दी गई? तो किस नेता को जेड पल्स सुरक्षा दी गई? तो ये दी गई हमारे हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी को जेड पल्स सुरक्षा दी गई। पिछले कुछ दिनों में उनकी उनके उनके सचिव के पास धमकी भरी कॉलिंग के कारण ही उन्हें कॉलिंग को धमकी भरी कॉलिंग के कारण ही उन्हें जेड प्लस सिक्योरिटी दी गई है, और ये दूसरे हरियाणा के नेता जिन्हें जेड प्लस सिक्योरिटी अब दी गई है। इससे पहले हमारे प्रदेश के सीएम मनोहर लाल खट्टर को जेड प्लस सिक्योरिटी दी गई, और उसके बाद दुष्यंत चौटाला जी को जेड प्लस सिक्योरिटी दी गई। आगे देखिए, आपका थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में जिंदल साउथ वेस्ट स्टील का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो जिंदल साउथ वेस्ट स्टील का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया आपके ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को आपके नियुक्त किया गया ऋषभ पंत को नियुक्त किया गया। और जिंदल स्टील वेस्ट की स्थापना 1982 में की गई थी। आगे देखिए, आपका फोर्थ क्वेश्चन है, वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2020 का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2020 का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका आरबीआई के द्वारा, आरबीआई की फुल फॉर्म ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी। और ये वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जाएगा, वो कब से कब तक मनाया जाएगा? ये मनाया जाएगा आपका 10 जनवरी से 17 जनवरी तक तो मनाया जाएगा। और इसके विषय हैं इस और यह इसके विषय कौन से रहेंगे? तो मीडियम स्मॉल माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज। हर वर्ष आरबीआई एक अलग विषय पर इस वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन करता है, और ये अब की बार मीडियम स्मॉल माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज। आगे देखिए, आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, पांचवा भारत रूस सैन्य औद्योगिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो पांचवा भारत रूस औद्योगिक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा आपके लखनऊ, और लखनऊ आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी, और लखनऊ किस नदी के किनारे पर? तो लखनऊ आपके किस नदी के किनारे पर? तो लखनऊ आपकी गोमती नदी के किनारे पर। और लखनऊ से ही रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, भारत का पहला हेल्थ एटीएम कहाँ खुला था? तो भारत का पहला हेल्थ एटीएम खुला था आपके लखनऊ में ही, भारत का पहला हेल्थ एटीएम खुला था। अब यूपी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। आपको पता है कि यूपी की कैपिटल है लखनऊ, और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, और यूपी के राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष, राजकीय फूल है पलाश का फूल, और राजकीय पशु है
बारहसिंघा और रज के पक्षी है वो सारसिया क्रोच। आगे देखिए आपका 6th क्वेश्चन है, राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष, राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बने? तो राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बने आपके के पराशरन। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बने आपके के पराशरन, और के पराशरन रामलला के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने वाले वरिष्ठ वरिष्ठ वकील थे। आगे देखिए आपका 7th क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय गांधी हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसे किया गया डॉक्टर एम एन धर्म सक्कू को अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और आगे देखिए आपका 8th क्वेश्चन है, ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने हाल ही में किस देश के लिए चिल्ड्रन प्रोटेक्शन फंड लॉन्च किया? तो ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने हाल ही में किस देश के लिए चिल्ड्रन प्रोटेक्शन फंड लॉन्च किया? तो ये किया आपके भारत देश के लिए, और भारत के लिए इन्होंने चिल्ड्रन प्रोटेक्शन फंड लॉन्च किया है। आगे देखिए हाल ही में सेंट्रल एशिया काउंसिल बिजनेस कहाँ लॉन्च की गई? तो हाल ही में सेंट्रल एशिया काउंसिल का काउंसिल कहाँ लॉन्च की है? तो सेंट्रल एशिया का बिजनेस काउंसिल लॉन्च की आपके नई दिल्ली में। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो इसके आयोजन आपके फिक्की के द्वारा किया गया, और फिक्की का हेडक्वार्टर देखिए न्यू दिल्ली, और फिक्की के अध्यक्ष हैं संगीता रेड्डी जिन्हें हाल ही में इनका अध्यक्ष बनाया गया था। आगे देखिए 10th क्वेश्चन आपका, हाल ही में CEO द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे महंगे देशों की लिस्ट में कौन सा दुनिया के सबसे महंगे देशों की लिस्ट में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? तो ये रहा आपका स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड सबसे महंगा देश रहा है CEO के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, और स्विट्जरलैंड की राजधानी आपकी बर्न, और सबसे सस्ता देश रहा आपका पाकिस्तान, और भारत की सबसे सस्ते देशों में भारत की कंडीशन है 3rd कंडीशन। आगे देखिए आपका 11th क्वेश्चन है, हाल ही में स्वीडन के इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत की दीपिका कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही में स्वीडन के इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत की दीपिका कुमारी ने कौन सा पदक जीता? तो भारत की दीपिका कुमारी ने जीता आपका स्वर्ण पदक, भारत की दीपिका कुमारी ने जीता है। आगे देखिए 12th क्वेश्चन आपका, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक सप्तांक अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ये रहा आपका भारत शीर्ष पर, आपका देश आपका अमेरिका फर्स्ट पर रहा है, और अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन DC, और अमेरिका के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प। और अब की बारी है 53 देशों की सूची जारी की है, जिसमें भारत की रैंक है 40, और पिछले साल 50 देशों की रैंकिंग जारी की थी और भारत की कंडीशन थी 36। आगे देखिए आप आज का आपका लास्ट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, हाल ही में किस महिला अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया? हाल ही में किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया? तो वो बनाया है क्रिस्टीना क्रिस्टीना कोच ने अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक बने रहने का सबसे लंबे समय तक रहने अंतरिक्ष में रहने का कोच रहने का रिकॉर्ड बनाया है, और दिन के ये 100 ये 328 दिन तक अंतरिक्ष में रही हैं, और इससे पहले पैटी विल्सन का रिकॉर्ड था जो 316 दिन
या 200 जो 316 दिन अंतरिक्ष में रही थी। ये थे दोस्तों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के 13 क्वेश्चन जो आने वाले आपके एग्जाम्स में हेल्पफुल साबित होंगे और आपके एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। हैव ए नाइस डे। गुड बाय फ्रेंड्स।